नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पेशर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। पिछले वीडियो में आपने देखा प्लेट वाली पैंट कैसे काटी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा पैंट का खर्चा कैसे काटा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, पैंट का खर्चा काटेंगे आज हम। पिछली पैंट में हमने क्रॉस पॉकेट बनाई थी, इसमें हम बनाएंगे साइड पॉकेट। पहले वाली पैंट से हम इसमें चेंज करेंगे काफ़ी कुछ, और बैक में भी हम इसमें हम फ्लैप लगा देंगे, एक तो इसमें ये दो चेंजिंग करेंगे, दूसरा हम इसके बेल्ट में भी थोड़ी चेंज करेंगे। पिछली बार हमने बेल्ट में एक ग्रिप लगाई थी। ग्रिप क्या है, हर जगह तो मिलती नहीं है, तो इसलिए आज हम बिल्कुल सादा कपड़े में ही बेल्ट बनाएंगे। एक सादा ग्रिप भी मिलती है इस तरीके की, हम इसको बेल्ट में लगाएंगे। बेल्ट में लगाने के लिए कई चीज़ें मिलती हैं, इस तरह से बेल्ट तो बहुत मिलते हैं बाज़ार में, रेडीमेड जो होते हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं मिलते। दूसरी चीज़ हम बेल्ट में एक चेंज ये करेंगे, उसका जो आगे का ठोका बनाएंगे वो आगे से गोल बनाएंगे। ठीक, ये चीज़ें चेंज करेंगे इसमें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पहले बना दीजिए उससे थोड़ा सा हट के बनाएंगे इसको। अच्छा, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, ये जो मैंने बताया था आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम चौथा हिस्सा लेते हैं और उसके बाद हिप का आधा कर लेते हैं। ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो पैंट काटनी आ जाएगी। फ्रंट तो इतना मुश्किल नहीं है काटना, कोई भी काट लेगा। अगर ये चौथा हिस्सा लेना है और आपको प्लेट्स की लूजिंग छोड़ देनी है, और इसका हिसाब आपको पता ही है कितना आपको फ्लाई रखनी है, नीचे बांधते हैं तो नीचे रख दीजिए, अगर ऊपर बांधते हैं तो इसको बढ़ा दीजिए, बाकी मोहरी रख के शेप दे देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ यहाँ ही आती है, जो भी आती है, ये जो यू है ये फिटिंग पे बहुत अहमियत रखता है आपका जो आसन है। अगर आसन आपका लूज़ हो गया है, टाइट हो गया, तो फिटिंग बिगड़ जाती है पूरी, और समझ में नहीं आता कि कितना लूज़ करना है, बस यही कर देते हैं, या तो इसको लूज़ करते हैं या फिर इसको टाइट करते हैं। इसमें लूज़ टाइट करने की कोई नौबत नहीं आएगी, बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपको अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप बैक को पहले भी काट सकते हैं। फ्रंट काटने के बाद बैक काटी जाती है, लेकिन इस हिसाब से आप बैक को पहले काट सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये भी हो जाता है। चलिए, ये तो खैर हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले इसकी पॉकेट काटते हैं। पॉकेट के लिए हमें लंबाई के लिए 13 इंची कपड़ा लेना है। और इसको हम कितना फोल्ड कर देंगे, 6.5 के आसपास, और ये 13 इंची है। इसके बाद हम इसे काट लेंगे। इस तरीके से रखना है, इसको ऊपर से कम हो जाए। ये हमारा पॉकेट का मुंह है यहाँ, तो हम यहाँ से इसको
इस तरीके से भी काट सकते हैं। इस तरीके से हम पॉकेट काट सकते हैं। उसके बाद जो बैक पॉकेट है हमारी, उसका मुंह है 4.5 इंची, तो हम 4.5 इंची दोनों तरफ से छोड़ देंगे और इस तरीके से काट लेंगे। आठ इंच के आसपास हम इसकी लंबाई ले सकते हैं। यहाँ से हम अपनी वॉच पॉकेट ले सकते हैं, जो चोर पॉकेट जिसे कहते हैं। इसका साइज आप रख लीजिए अपने हिसाब से, कैसे भी रख सकते हैं। बहुत से लोग इसको बहुत बड़ा भी बनवाते हैं ताकि पूरी पैसों की गड्डी पूरी आ जाए, लेकिन आजकल गड्डी रखने का ज़माना चला गया। ये हो गया हमारा पॉकेट्स। और अब हम काटते हैं बेल्ट। कमर इनकी 36 है। यहां से आप 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहां से बेल्ट का हाफ 36-18 पे ले लेंगे और 2 इंच आगे मार्जिन हम छोड़ देंगे। इस तरीके से ये तो ठोके वाला बेल्ट हो गया। कुटके लगा सकते हैं यहां पे। और जो नीचे का बेल्ट है उसको हम इससे इतना छोटा काटेंगे। अगर आप चैन की फ्लाई को अगर बढ़ाकर लगा रहे हैं तो उस हिसाब से इसको बड़ा काट सकते हैं हम। अगर अपन सीधा ही ले रहे हैं, इसी तरीके से ले रहे हैं कि बस इस तरीके से शेप दे रहे हैं घुमा करके, और अगर लंबा अगर आपको बनाना है कि आगे काज भी बनाना है तो आप इसको बढ़ा दीजिए। हम इसको छोटा बना रहे हैं इसलिए ये हो गया। उसके बाद एक पीस आप और काटेंगे इतना बड़ा। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको आगे से गोल रखना है, तो हम इसको गोल काट लेंगे। इस तरीके से हम इसे गोल काट लेंगे और दूसरा पीस भी इस पे रख के हम उसको गोल काट लेंगे। बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए। इस तरीके से कट जाएगा। अब ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था वो है। अब इसमें मैं बताता हूँ कहाँ से क्या क्या लेना है। एक तो हमारा ये पीस बचता है, और एक ये पीस बचता है सीधा, और एक ये पीस बचता है जो हम मोहरी के नीचे से बचता है आड़ा। तो बेल्ट के नीचे हम आड़ा पीस लगा सकते हैं, तो ये तो हम बेल्ट के नीचे ले लेंगे।
ये तो हो गया हमारे बेल्ट के नीचे का पीस, और इसको हम थोड़ा इसको सीधा हम काट लेंगे बिल्कुल। ये हमारे पास खड़ा पीस है, तो इसमें हम ऊपर का पीस ले लेंगे। ये नीचे हमारा मार्जिन हो जाएगा। बहुत से लोग इसको अक्सर घुमा देते हैं, इस तरीके से इसको घुमा देते हैं। पहले जो वन पीस पैंटें बना करती थी उसमें इसको घुमा करके फिर लगाया जाता था, क्योंकि वो बुकरम दूसरी टाइप की होती थी। ये पेस्टिंग है, जितनी भी रेडीमेड पैंटें आती हैं उसमें कभी बेल्ट घुमा हुआ नहीं रहता, सीधा ही रहता है। जहाँ तक मैंने देखा है फिटिंग में कोई फ़र्क नहीं आता उससे, अगर आप इसको नहीं घुमाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो लोग घुमाते हैं वो घुमा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ये हमारा बेल्ट हो गया, और ये हमारा इसका ऊपर का स्तर हो, अंदर का स्तर हो जाएगा। ये हमारी पॉकेटें हैं, ये बेल्ट हो गया, और यहां से हम फलाई ले सकते हैं। अच्छा, फलाई भी जैसे हम लगाते हैं, चेन जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, जिधर बटन टेक वाली हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर, जब हम चेन लगाते हैं तो ये इसके दांते ओपन में रहते हैं, बिल्कुल ओपन में रहते हैं। तो कभी भी जब प्रेस लगाई जाती है तो प्रेस इसके ऊपर चढ़ जाती है ऊपर। जब प्रेस चढ़ती है तो ये तो प्लास्टिक की होती है चेन, तो वो ख़राब होने का उसमें चांस बन जाता है, क्योंकि लॉन्ड्री में जब जाती है तो बहुत हाई प्रेस करते हैं वहाँ पे। तो घर पर तो चलो हम ध्यान से कर सकते हैं, लेकिन जब लॉन्ड्री में जाएगी तब वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो प्रेस ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो करना क्या है इस पर, मैं आज आपको बताऊंगा कि इस पर एक पट्टी लगाई जाती है इसके ऊपर, इससे चेन कवर हो जाती है, दिखाई नहीं देती। इसके ऊपर अगर प्रेस आ जाती है तो फिर कोई नुकसान नहीं होता चेन को, दूसरी तरफ तो प्रेस लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये मैं आपको बताऊंगा इसमें नई चीज़। ये हमारी फलाई हो गई, और बाकी पॉकेट के जो के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए
वो हम इनमें से ले लेंगे। और लूप्स वगैरह का भी एक मैं नई चीज़ आपको बताऊंगा, लूप्स कैसे लगाने हैं। लूप्स दो तरह से लगाने हैं हमें, उसमें छोटा बेल्ट भी आप लगा सकते हैं और बड़ा बेल्ट भी लगा सकते हैं। ये हमारा आज का खर्चा हो गया, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा पैंट का बेल्ट कैसे काटा जाता है, उसकी पॉकेट्स कैसे काटी जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रिटिश, शेरवानी, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर बनाएगी, अच्छा डिजाइनर बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।